की निशुल्क नीतियों के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसी के चलते दिल्ली के अमृत विहार में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रामवीर चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि वह दिल्ली की 70 विधानसभाओं में रथ यात्रा निकालेंगे, जिसके माध्यम से वह आम जनता को जागरूक करेंगे। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान का कहना है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में कोई कार्य नहीं कर पाई है। 70 वायदे मैं लेकर आया हूँ, अगर आपको कोई डाउट है ये उन्हीं का डॉक्यूमेंट है, उन्हीं के डॉक्यूमेंट पे हम बात करना चाहते हैं, पूरी दिल्ली बात करना चाहती है, पूरी दिल्ली के जो 1,40,00,000 मतदाता है वो बात करना चाहते हैं कि 70 वायदे कौन पे हुए। अभी आपने मीडिया में झूठ फैला दिया कि आखिरी वादा पूरा किया जा रहा है, लेके 69 तक वादे कितने हुए। इन सारी चीजों के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं और हम मीडिया के साथियों को भी ये भरोसा दिला रहे हैं कि 2020 में केजरीवाल जी दोबारा शपथ नहीं लेंगे, ये इनका अंतिम चरण चल रहा है, ये सरकार वेंटिलेटर पे है। और 7 या 8 तारीख को जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा जनवरी में, तो इस सरकार, इस झूठ और अक्कार की सरकार का उस दिन अंत हो जाएगा, बाजार में दोबारा सरकार आने वाली नहीं है। और अपने सभी वादों पर खड़ी नहीं उतरी है और आम जनता को बस जुमले पर जुमले दिए जा रही है। आपको बता दें कि इस रथ यात्रा की शुरुआत आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने हरी झंडी दिखाकर की। जैसे दिल्ली के गरीब लोगों को, गरीब और जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, उसको एक सत्ता में भागीदारी देने का, और ये जो झूठ फ्रेम की सरकार चल रही है, ये भागीदारी नहीं दे रही। आप लोगों ने वोट डाल के 67 विधायक आम आदमी पार्टी के बनाए, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या उसमें कोई मुस्लिम, कोई दलित, ओबीसी किसी को राज्यसभा भेजा गया? आपके वोट को जिस तरीके से लोग, गरीब लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि आप अपना वोट बेचते हैं, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री धन्ना सेठ को वोट नहीं बेच दिया? विधायकों का वोट धन्ना सेठ को बेच के राज्यसभा में धन्ना सेठ को भेज दिया। तो ऐसी झूठ और फ्रेम की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपकी अपनी पार्टी दिल्ली में संघर्ष कर रही है, और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली में 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं बनने देगी, ये हमारा प्रण है। ब्यूरो रिपोर्ट, द दिल्ली टुडे न्यूज़।